नमस्कार दोस्तों, आप में से अनेक विद्यार्थी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे अनेक विद्यार्थी जिन्होंने प्रीलिम्स यानी रिटन एग्जामिनेशन का दौर पार कर लिया है और अब वे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे अनेक विद्यार्थी जो जुडिशरी में है, हम सभी को पता है जुडिशरी में तीन स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और यदि हम एडीपीओ को देखें तो वहां पर सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन यानी इसे प्रिलिमिनरी जैसा एक एग्जामिनेशन होता है और सीधे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो कुल मिला के इंटरव्यू एक फाइनल स्टेज होती है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की फाइनल स्टेज इंटरव्यू होती है और इसमें एक इंटरव्यू बोर्ड होता है जो कि आपसे साक्षात्कार करेगा। साक्षात्कार का मतलब होता है 1-to-1, आमने सामने आपसे बातें होंगी। अभी तक आप इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट नहीं हुए थे, लेकिन अब आप इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट होने वाले हैं और इंटरव्यूअर आपसे मौखिक प्रश्न करेगा। तो ये रिटन परीक्षा नहीं होती, ये ओरल एग्जामिनेशन होती है और इसका उद्देश्य सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं होता है, इसका उद्देश्य आपकी पर्सनालिटी चेक भी होता है। यह भी देखा जाता है कि क्या आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, क्या आप में वे सारी क्वालिटीज हैं जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, ये सारी बातें वो देख लेते हैं। तो इंटरव्यूअर बोर्ड जो होता है वो एक्सरे स्क्रीन के साथ आपके साथ बैठते हैं। एक्सरे, हम सभी को पता है, शरीर के अंदर की बीमारियों को जांचने की टेक्निक को एक्सरे कहा जाता है। तो ये एक एक्सरे हो जाता है, आपको जांचा जाता है, रादर देन में इसको एक्सरे ना कहते हुए इसे यदि सोनोग्राफी या सिटी स्कैन कहूं तो ये ज्यादा पर्याप्त होगा, यानी आपको पूरा चेक कर लिया जाता है उस 10-15 मिनट के इंटरव्यू में। तो ऐसी स्थिति में ऐसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में यानी ओरल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उनकी तैयारी आपको करके ही जानी चाहिए। कुछ ऐसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं जो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर द्वारा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जुडिशरी के एग्जामिनेशन में यानी सिविल जज के एग्जामिनेशन में, एडीपीओ के एग्जामिनेशन में, हायर जुडिशरी यानी एडीजे के एग्जामिनेशन में इंटरव्यू बोर्ड द्वारा कौन से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको हम दो भागों में क्लासिफाई करेंगे, एक जनरल फ्रिक्वेंट क्वेश्चन और एक लीगल फ्रिक्वेंट क्वेश्चन, ताकि आपको इन क्वेश्चन की तैयारी आप पहले से ही करके जाए। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस चैनल में हम सभी कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग समझने वाले हैं ऐसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो निरंतर इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन द जुडिशरी एडीपीओ लॉ इंटरव्यूज, या लॉ इंटरव्यूज में कौन से प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले सिविल जज, एडीपीओ और एडीजे की जो परीक्षाएं होती है लॉ से कनेक्टेड होती है। यदि आपको जुडिशरी में सेवा देनी है, प्रोसिक्यूशन में सेवा देनी है, तो इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करना पड़ता है और इन्हीं परीक्षाओं का जो फाइनल स्टेज यानी जो अंतिम चरण है उसे ही इंटरव्यू कहा जाता है। तो इंटरव्यू को साक्षात्कार भी कहा जा सकता है, इंटरव्यू को वाइवा भी कहा जा सकता है। इंटरव्यू इज अ काइंड ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। ओरल का मतलब एक मौखिक, आपसे 1-to-1 आमने सामने फेस टू फेस प्रश्न पूछे जाएंगे और उस फेस टू फेस आंसर देते समय अनेक बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। आप इंटरव्यू के साथ कॉन्फिडेंट होकर बात करें, आई कॉन्टेक्ट बना के रखें, ऐसी अनेक बातें जो मैंने अगले यूट्यूब लेक्चर्स में मैंने डाले थे। आज हम सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा करने वाले हैं जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार इंटरव्यू एक सिर्फ नॉलेज चेक नहीं होता है, सिर्फ आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं होना है। नॉलेज चेक तो आपके रिटन एग्जामिनेशन में हो चुका है, आप नॉलेज को पार कर चुके हैं, यानी नॉलेज तो है, इतना तो आपको पता चल चुका है, तभी तो आप इस स्टेज पे पहुंचे। तो नॉलेज तो पार हो चुका है, नॉलेज चेक की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी की, यानी आपकी व्यक्तित्व कैसा है। और व्यक्तित्व तब होता है जब आप मुंह खोलते हैं, यानी आपके शब्दों से, आपके विचारों से, आपके थॉट से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसी बातें हैं जो पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वे ऑफ टॉकिंग, कैसे आप बात कर रहे हैं, आपकी बात की शैली क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर, तात्कालिक चीजों को आप कैसे निपटा सकते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। यानी हम सेंस ऑफ ह्यूमर को अनेक बातों में परीक्षण कर सकते हैं, जैसे हम ये कहते हैं वाक्पटुता, हाजिर जवाबी, ये सब बातें सेंस ऑफ ह्यूमर में आता है। फिट फॉर जॉब, तो ये भी देखा जाता है कि आप उस जॉब के लिए फिट हैं, क्या आप उस जॉब के लिए सही है। ऐसा तो नहीं आप उस जॉब पे लगाकर जॉब पर भट्टा बिठा देंगे या ब्लॉट लगा देंगे, या उस जॉब को आप क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो आर यू फिट फॉर जॉब और नॉट, इट इज ऑल्सो चेक्ड बाय द इंटरव्यू। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी बात को किस ढंग से समझा सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप अपनी बातों को, अपने विचारों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, ये बातें भी इंटरव्यू बोर्ड में समझ में आ जाती है। तो इंटरव्यू बोर्ड में इन सब बातों का चेक किया जाता है। अब हम जिस चीज के लिए आज का ये वीडियो बना है, सेट ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं।
इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक है जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन का मतलब होगा ऐसे प्रश्न जो सामान्यतः पूछे जाते हैं, जो लॉ से कनेक्टेड नहीं लेकिन जनरली पूछे जाते हैं, और लीगल यानी लॉ से कनेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। तो पहले हम जनरल क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या हैं। अगर आपने जो भी हॉबी बता दी तो उस हॉबी पर इंटरव्यू बोर्ड आपसे बहुत सारे प्रश्न करने लगेगा। तो आपके शौक क्या है, फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर एम्बिशन इन द लाइफ, आपका विजन क्या है, इस लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं। तो आपका विजन, आपका एम्बिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं जॉब में, आपका आगे एम क्या है, ये सारी बातें आपको पूछी जा सकती है। ये एम्बिशन वाला क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि आप कौन हैं, आप अपने बारे में बताइए, आप अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसका आंसर आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए। ओपिनियन, किसी बात पर, करंट अफेयर पे कोई तात्कालिक यदि मुद्दा चल रहा है तो उस पर आपके ओपिनियन पूछ लेंगे, यानी आपके थॉट्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, वो भी पूछा जा सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कई बार आपसे आपकी ताकत पूछ लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किसको अपनी स्ट्रेंथ मानते हो, आप किन बातों को स्ट्रेंथ यानी अपनी ताकत मानते हो, किन बातों को आप अपनी कमजोरी मानते हो, व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अब हम बात करें लीगल, अगर लॉ के आप इंटरव्यू बोर्ड पे गए हैं तो लॉ के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसे हम पेटेंट क्वेश्चन भी कहते हैं। पेटेंट मतलब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे लीगल क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट इज योर फेवरेट लॉ, आपका फेवरेट लॉ कौन सा है। जैसे ही आपने अपना पसंदीदा कानून बताया तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे पसंदीदा कानून के बारे में ही प्रश्न पूछने लग जाएगा। तो यह जरूर ध्यान रखें कि ऐसे कानून को पसंदीदा बताएं जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है, क्योंकि आप उसके प्रश्न आने वाले हैं। तो पसंदीदा कानून कौन सा है, कौन सा प्रोविजन आपको सही लगता है, कौन सा प्रोविजन की आप आलोचना करते हैं कि प्रोविजन नहीं होना चाहिए कानून में। तो प्रोविजन मतलब कोई धारा, कोई अनुच्छेद, कोई उपबंध जो आपको सही लगता है या नहीं लगता है, उनके कारण पूछे जा सकते हैं। मेजर एक्ट के अंदर से प्रश्न पूछ लेंगे, मेजर एक्ट के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, तो मेजर एक्ट जैसे हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, उसके अंदर के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे स्टोबल पूछ सकता है, मैक नॉटन का केस पूछा जा सकता है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया पूछा जा सकता है, डॉली कैपेक्स पूछा जा सकता है, एब इनिशियो पूछा जा सकता है, कैवियट एम्प्टर पूछा जा सकता है। तो कानून के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हो गए, बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स आप लोगों ने पढ़े, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये पूछे जा सकते हैं। प्रिजम्पशंस के बारे में कि कानून की क्या प्रिजम्पशंस होती है, और फैक्ट की क्या प्रिजम्पशन होती है, और कौन सी प्रिजम्पशन आपको लगता है सही नहीं है, क्या प्रिजम्पशंस हैं, कौन सी प्रिजम्पशंस हैं, यानी उपधारणाओं के बारे में भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। नेचुरल जस्टिस पर भी कानून आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप सभी लोगों ने प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत पढ़ा था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत हैं, कौन सा सिद्धांत आपको लगता है बदलना चाहिए, कौन से सिद्धांत में आपको खामियां लगती है, ड्रॉबैक्स लगते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर हम यदि बात करें चेंज इन लॉ, कौन से कानूनों में आप परिवर्तन चाहते हो, कौन सा कानून नहीं होना चाहिए, यानी चेंज इन लॉ यानी अमेंडमेंट पूछ रहा है आपसे, या ऐसा कौन सा आइडियल कानून जो नहीं है वो आप चाहते हो कि ऐसा कानून भी बने अपने देश में। तो इनकी भी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो फ्रिक्वेंटली लॉ के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर जुडिशियरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, वे सभी लोग वाघवानी लॉ क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फीस में एवरी सब्जेक्ट इज क्लियर्ड विद इलस्ट्रेशंस, विद एक्सेप्शंस, सभी धाराओं को अच्छे से समझाया जाता है रिविजन के साथ में। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन वाघवानी लॉ क्लासेस फॉर द डीप नॉलेज। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जुडिशियरी, एडीपीओ, हायर जुडिशियरी, क्लैट एग्जामिनेशंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।